यहां शुक्रवार को एक ट्रेनी लड़ाकू विमान मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें दो पायलटों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट पर हुआ। प्लेन में दो ही पायलट सवार थे। हादसे के वक्त दोनों प्लेन से बाहर निकल गए थे। एक पायलट की मौत प्लेन के मलबे पर गिरने से हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतक पायलटों की पहचान समीर एब्रोल और सिद्धार्थ नेगी के रूप में की गई। दोनों विमान और सिस्टम परीक्षण संस्थान में स्क्वाड्रन लीडर थे। एयरफोर्स का जगुआर प्लेन क्रैश। 28 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के खेतिमपुर में एयरफोर्स का जगुआर प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई थी। हालांकि विमान के पायलट ने पैराशूट के जरिए अपनी जान बचा ली थी। ये सुपरसोनिक विमान जगुआर फ्रांस में बना था, जो कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और दूर तक मार्च कर सकता है। गुजरात में भी हुआ था हादसा। गुजरात के कच्छ में पिछले साल 5 जून को भारतीय वायुसेना का जगुआर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में एयर कमोडोर रैंक के अफसर संजय चौहान शहीद हो गए थे। बताया गया था कि एयरक्राफ्ट ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए जामनगर से उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट